हर हर महादेव। मेरे प्रिय दर्शक मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया योग है कि फिर से मैं एक आपके लिए एक अच्छी विधि लेकर आया हूँ। और ये विधि इतनी कारगर है कि इस विधि के द्वारा अब मेरी जो बहनें हैं जिनका पति उनका अपमान करता है, उनको प्यार नहीं करता है, उनको हमेशा धमकाता रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर हमेशा उनके साथ लड़ता झगड़ता रहता है, उन्हें कभी भी ऊपर नहीं उठने देता है, बस हमेशा ही हमेशा उनको कोसता रहता है, उनको हमेशा कुछ न कुछ विषय के ऊपर इस प्रकार से रहता है कि बात बेबात सिर्फ झगड़ना झगड़ना झगड़ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम ये नहीं है तुम, और इतना करते करते जो है वो अब उसके पीहर वालों को, उसकी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बहनोई को, पता नहीं किस किस रिश्तेदार को बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव बोलता रहता है कि बहुत सारी मेरी बहनें मुझे बोलती रहती है कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरे साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, वो दूसरे के सामने, किसी के सामने, पड़ोस के सामने या रिश्तेदारों के सामने मुझे बस बहुत सारी लज्जित कर देते हैं, मेरी बहुत सारी बेइज्जती कर देते हैं, बहुत कुछ मुझे ऐसा भद्दे शब्द बोल देते हैं कि जिससे मैं अपने आप को बहुत निराश प्राप्त करती हूँ, बहुत ही मैं ऐसी हो जाती हूँ कि बस अब मेरे जीवन के अंदर अब कुछ शेष नहीं है, कि इतनी सेवा करते हुए भी, इतना पतिव्रत धर्म निभाते हुए भी आज मेरी उसके सामने, उसकी नज़रों में, उसके दिल में कोई जगह नहीं है, क्यों, कैसे, किस लिए, इस प्रकार से वो बहुत सारे तंत्र मंत्र उपाय उपयोग करती है, किसी न किसी के ठग का शिकार हो जाती है, पर अब मेरी बहनों किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का ठग होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ छोटी सी विधि, जो कहते हैं ना कि जो चाबी हमारे घर गुम हुई है वो किसी मौलवी तांत्रिक किसी के पास थोड़ी होगी बेटा, तो मेरी बहनों अब तुम्हें बिल्कुल भी किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, उन पति को किस प्रकार कि उनको पता भी नहीं चलेगा, किसी कुत्ते शत्रु मिटे शत्रु को या घर के परिवार के किसी सदस्य ने उनकी बुद्धि को आपके प्रति परिवर्तित किया हुआ है, बदला हुआ है, आपके प्रति एक ऐसा नफरत पैदा कर दी गई है, अब आपका समय है कि आप कैसे उनको और कैसे अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और उन शत्रुओं को दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर भी एक ऐसी पतिव्रत शक्तियाँ हैं कि देखो बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्त्री चाहे तो वो अपने पति के प्राणों को यमराज से ला सकती है। जैसे सावित्री ने क्या किया था कि अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए ब्रह्मा के द्वारा लिखित विधि को भी बदल दिया, उसके विधान को भी ब्रह्मा जी को स्वयं बदलना पड़ा और उनके पति के प्राणों को वापस देना पड़ा। तो इसी प्रकार से आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ अच्छा उपाय कर सकते हैं। क्या करना है हमारे को, तो मेरी बहनों सिर्फ हमें एक छोटा सा कर्म करना है, अब मैं आपको वो उपाय बताता हूँ। इस उपाय को पूरी वीडियो आप देखते रहिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, क्योंकि पूरी वीडियो को देखे बिना आपको आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा परेशान करता है। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और देखते देखते आप जो है मेरे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको हर एक विधि अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेवा मेरे महादेव के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है और आप सब का भला चाहते हैं महादेव, कि जो तपस्या हमने की है, जो तप हमने किया है गुरुओं के साथ, महात्माओं के साथ, संत साधुओं के साथ, तो वो सब मेरी बहनों आपके लिए ही है। आपको अब उस मैं विधि पर आता हूँ। क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है कि जैसे ही आपके पति जब रात को सोते हैं तो आप अपने पास एक सिरहाने के पास एक ऐसा कैसे जैसे सीजर या कैंची रखिए कि ठीक जैसे 12 बजे उनकी चोटी के 2 से 3 बाल आप काट लें, उनकी चोटी के 2 से 3 बाल तोड़ ले, तोड़ेंगे तो नहीं वो जाग जाएंगे, सिर्फ हल्के से काट ले। काटने के बाद आप उसे अपने पास रखिए रात भर, और रात भर रखने के बाद सिर्फ महादेव से प्रार्थना करते रहें कि हे मेरे महादेव, जो भी मैंने प्रक्रिया कर रही हूँ या विधि कर रही हूँ गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से, मैं अपने अच्छे धर्म के लिए, अपने पति को अपने हित में करने के लिए और उनसे प्यार और प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं ये विधि कर रही हूँ, महादेव आप इस विधि को
स्वीकार कीजिए और इसमें इतना चमत्कार कीजिए कि मेरे पति की बुद्धि में बदलाव हो और मेरे प्रति जो प्रेम और प्यार है वो उजागर हो। ये बोलकर ये बोलते रहें और ये बोलते बोलते आप फ्री होकर सो जाइए और सुबह जैसे ही होते ही आप उसे क्या करेंगे कि जैसे आप सुबह झाड़ू निकालते हैं, बासीडा निकालते हैं, दरिद्रता निकालते हैं, उसी समय में आप उन बालों को धरती पर डालकर चप्पल पहनकर उनको ऐसे रगड़ दें और रगड़ने के बाद झाड़ू के साथ उसे बाहर कर दें। और बाहर करते समय सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे कि दरिद्र घर से बाहर हो जाए, सुख और शांति मेरे घर में हो जाए। दरिद्र दुख और दरिद्र मेरे घर से बाहर हो जाए, कष्ट कलेश मेरे घर से बाहर हो जाए और सुख और शांति मेरे घर में हो जाए। बस इतना बोलकर हर हर महादेव जय माता दी बोलते हुए आप घर में प्रवेश करें और शुद्ध स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पति के सामने जाएं। उसी दिन से चमत्कार देखेंगे कि पति के चेहरे पर और उसकी बुद्धि में, उसकी आंखों पर आपको बदलाव मिलेगा। ऐसा कंटिन्यू 7 दिन लगातार करें या 3 दिन लगातार करें, जैसा आपको मौका लगे वैसा आप करें, आप असर देखेंगे और मेरी बहन बहुत अच्छा आपका सौभाग्य होगा और सौभाग्य से आप सौभाग्य पतिवान, अखंड सौभाग्यवान बनेंगी। तो आज के लिए इतना ही मेरी बहनों, आप इन उपाय को कीजिए और करके जिस भी बहन को आराम मिले वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे हर हर महादेव लिखें। और फिर भी अगर ना समझ में आई कोई सलाहकार जा आप सलाह जानना चाहते हैं या कोई परामर्श लेना चाहते हैं, इस विधि से रिलेटेड कोई बातें पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत भेज सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। हर हर महादेव। नमस्कार।